सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं, अब निकलेंगे डोंगरगढ़ ट्रेवलिंग के लिए। डोंगरगढ़ में फुल मौज करना है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो चलो चलते हैं, फिर रूम से बाहर निकलते हैं फिलहाल। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं सांकरा से, मतलब घर से निकल चुके हैं। अभी फिलहाल ये अभी दुर्गा पंडाल के पास हैं। अभी यहाँ पर फल्ली वगैरह ले रहे हैं। तो भाई इधर देखो, कुछ बोलो। हम लोग निकल चुके हैं डोंगरगढ़ के लिए, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहना, बहुत ही मजा आएगा। और बाहर खाना खाएंगे, आगे फल्ली ले लिए, दिखा भाई। नहीं नहीं नहीं, कचरा ही भाई, मतलब रोड में था। और आप कुछ बोलो भाई, बोलो ना सर। बहुत ही मजा आने वाला है, अभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही है। तो गाइस, अभी सब लोग देख सकते हो फल्ली वगैरह खा रहे हैं, ये देखो, और ये नमक, और ये देखो। बताइए सर, ड्राइवर साहब। ओके, एक नंबर है। वाह, गाना कौन बंद? गाना फिर कौन बंद करी? अरे यार। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, अभी खाते खाते जाएंगे, खाते खाते आएंगे, बस बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। तो ये लाइट चालू होते हुए टोल प्लाजा, ये अपना कुम्हारी का है प्लाजा, आज फाइनली आ चुके हैं। इधर से बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ रहे हैं गाइस। तो आप बने रहे हैं ब्लॉक में, ये कुम्हारी रोड से डायरेक्ट सीधा कितना किलोमीटर लगाना पड़ेगा? पाँच। तो गाइस, अपन लोग अभी भिलाई पहुंच चुके हैं। माहौल देखो, माहौल यहाँ का कितना अच्छा, पूरा झूला उला। आज चौथा दिन है और यहाँ पर ना बहुत सारे, मतलब डरावने, क्या बोलते हैं उसे, मसानो शान सब आए गाइस। और ये धीरे धीरे जाते हुए हम लोग डोंगरगढ़ की तरफ। गाइस, ये दूसरा देख सकते हो आप लोग, पंडाल मिल चुका है भिलाई में, बहुत ही तगड़ा वाला पंडाल देख सकते हो। ओ, साथ में क्या बकायदा सार्फी है, दो दो तीन सार्फी है। ऑन कर। तो गाइस, अभी हम लोग भिलाई का ओवरब्रिज पहुंच चुके हैं, लाइट देख सकते हो, ये डांसिंग कार। दरस पर जाबो जाबो डोंगरगढ़ बमलाई के, जाबो जाबो डोंगरगढ़ बमलाई के, चलो दरस पर जाबो जाबो डोंगरगढ़ बमलाई के। पर अभी करते हैं, थोड़ा भूख भी लगा है, 11 बज चुका है, तो अभी खाना वाना करते हैं। और वो भूखड़ लोग अभी से पहुंच चुके हैं, ये अपना ब्रेजा पार्किंग यहाँ पर, और भूखड़ लोगों को दिखाता हूँ, बैठ चुके होंगे। माँ भवानी ढाबा करके है होटल, क्या भूखड़ लोग। तो भाई, हम लोग पहले से यहाँ बैठ चुके हैं, ये कहाँ कहाँ पता नहीं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं, तो ऑर्डर अभी दे रहे हैं और खा पी के फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है गाइस। और घर से खा के नहीं आए थे, और यहाँ कुछ होटल का रिएक्शन दिखा दे पाए। ये होटल का व्यू है, ये देख सकते हो आप लोग, ये होटल का व्यू है गाइस। यहाँ पर टीवी वगैरह भी लगा हुआ है, और ये वेटर भैया। तो गाइस, अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे पे हैं अभी फिलहाल, और ये यीशु मामा, तो ये देख सकते हो हाईवे रोड है, और हाईवे रोड के पास ये ढाबा है। तो फिलहाल अभी ऑर्डर दे चुके हैं, थोड़ा लेट लगेगा, तो हम लोग यहीं पर थोड़ा घूम रहे हैं रोड पे।
तो गाइस अभी मैं आया हूँ फिर कार में कैमरा लेने के लिए। ये देख सकते हो आप लोग कैमरा निकॉन का है, डिसलार कैमरा। अभी ले जा रहा हूँ, फोटो वगैरह शूट करना है। तो ये अपना ब्रेजा पार्किंग और ये अभी पूरा नहीं आया है। ये भिंडी का भुजिया और ये मटर पनीर और ये रोटी, और अभी आ रहा है चावल वगैरह आ रहा है। तो ये अपना अभी खाना हो रहा है सादा। तो देख सकते हो गाइस ये पूरा पार्किंग एरिया है। और आपको मंदिर दिखाता हूँ ना, पूरा कंपाउंड देखो अभी हवा में उड़ रहा है मंदिर। ये देखो ये है मंदिर, अभी कितना दूर है देख सकते हो आप। तो गाइस अपन लोग डोंगरगढ़ पहुंच चुके हैं। और कुछ नहीं तो आपको आगे का व्यू दिखा सकते हैं, जो ये पूरा पार्किंग एरिया है गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, पूरा ये पार्किंग एरिया है, ये सब पूरा पार्किंग एरिया है। ये गाइस आगे 3 मंजिल का होटल आपको दिख सकता है, ये रेस्टोरेंट जो कि मैं लॉज 5 साल पहले आया था तो नहीं था, अभी मेरे को दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मंदिर का व्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा है गाइस। देखो गाइस देख सकते हैं गाइस, ये छोटा सा दिख रहा है वही मंदिर है, ये जूम करने कोई जरूरत नहीं है भाई, ये है मंदिर। इसमें हम लोग को जाना है गाइस, तो चलते हैं। बहुत ऊपर दिख रहा है गाइस, हवा में उड़ रहा है ऐसा लग रहा है। फिलहाल चलते हैं आगे और दर्शन कराते हैं, आगे आगे देखो होता है क्या बनेगा। तो गाइस हम लोग पांचों के पांचों निकल पड़े हैं मंदिर की ओर। ये रोड से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का सफर आपको पैदल करना पड़ेगा। अरे पूरा पहाड़ है। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़, मतलब पहुंच तो 12 बजे का पहुंच गए थे। फिर नहाने धोने के लिए एक दोस्त का यही घर है आसपास में, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर में, तो वहीं गए थे। फिलहाल अभी फिर पहुंच गए हैं, अब जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। अभी जाएंगे तो अभी रेलवे स्टेशन फाटक के पास हैं अभी फिलहाल। ये सब अभी कैमरा वगैरह में ये देखो लेंस वेंस लगा रहे हैं। तो अब जाएंगे दर्शन करने। तो गाइस हम लोग ये जा रहे हैं अभी फिरा रोड पे हैं। क्राउड देख सकते हो आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हाँ तो गाइस ये डोंगरगढ़ का तालाब और ये है उड़न खटोला, जिसमें उड़ जाओगे सीधा बैठोगे, दिखाने है धीरे धीरे। ये है उड़न खटोला, इसका चार्ज बहुत हाई हो सकता है, पता नहीं अब चार्ज कितना है वो तो पता नहीं। यहाँ से आप जा सकते हो उड़न खटोला में, फिलहाल अभी तो चालू नहीं है। सुनना है तो करा है भी हो गए पहले ज्यादा तो गाइस
क्राउड तो इतना ज्यादा है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो दिखाता पर बंद करना। नहीं नहीं, इधर कहाँ क्राउड है भाई, नीचे का है क्राउड। तो गाइस हम लोग का चरना शुरू हो गया है अपना वॉकिंग। तो गाइस हम लोग का ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका है। ये अपना पहला सीढ़ी है, लग रहा है अभी नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी स्टार्ट हुआ है गाइस, अभी देखते जाते हैं हालत क्या होता है। और ये देखिए आपके यहाँ पर पानी का कार्यालय मिलेगा और कुछ हो गया लगता है यहाँ पे। आना आना देख सकते हो गाइस कितना भीड़ है, देख सकते हो कितना भीड़ है कितना। तो ऐसे में तो अपने को जाना नहीं मिलेगा, जाने को नहीं मिलेगा अपने को। तो लेडीज बन के जाए, जल्दी चल जाए। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scams, getting no licks in the bank. Legacies. Crowd, देखो crowd कितना ज़्यादा है वो भाई। Guys, पोपट हो चुका है। आप लोग बाहर का ही व्यू देखो, अंदर का मतलब ऊपर का व्यू आप नहीं देख सकते हो, मोबाइल अलाउ नहीं है। तो आप बाहर का व्यू देखो, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आप क्राउड में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस हम लोग बड़ा वाला परमेश्वरी मंदिर तो जा रहे हैं, इसीलिए छोटा वाला में फट जी ही फट जी। तो कहीं भी रहे पूजा तो होना चाहिए। ये छोटा बमलेश्वरी है, बड़ा बमलेश्वरी मंदिर में तो अपन लोग पहुंच नहीं पाए, बहुत कोशिश की जाने का। देख सकते हो गाइस अपन लोग बड़े छोटे बमलेश्वरी मंदिर में।